वेलकम टू आईमेट फाउंडेशन। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि सीयूटी में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आप लोग के साथ डिस्कस किया था और थोड़ा वीडियो में लेट हो गया। इस वजह से लेट हो गया कि कुछ रिजल्ट आए थे और आईमेट फाउंडेशन की तरफ से बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया इस बार भी, जैसे पिछले साल भी अच्छा रिजल्ट आया और इस बार भी अच्छा रिजल्ट आया, पिछले बार से और भी अच्छा रिजल्ट लाए इस बार हम लोग। और एक बच्चे का इतना तक आया कि साइंस में 100% 99 मार्क्स लाए उन्होंने और उसका ओवरऑल परसेंटेज 96% आया है और उसको गिफ्ट के साथ हम लोग वीडियो जरूर बनाएंगे, उसके साथ जरूर वीडियो बनाया जाएगा। चलिए फिर हम बात करें सीयूटी एग्जाम की। सीयूटी एग्जाम में मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे इसके पहले। क्वेश्चन क्या करवाए थे, मैट्रिक्स का कुछ क्वेश्चन करवाया गया था आपको, जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं मैंने क्वेश्चन करवाया था। आज कुछ अलग से डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन करवाते हैं, कुछ जो क्वेश्चन सीयूटी एग्जाम में आ सकता है। और उम्मीद है कि अच्छे से तैयारी कर रहे होगे यार तुम लोग, एग्जाम तो बहुत पास आ गया है, शायद आज एडमिट कार्ड भी आ गया तुम लोग का, ठीक है। फिर क्वेश्चन हम कराते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है कि x इज इक्वल टू दिया है log sin t और y इज इक्वल टू दिया 1 माइनस cos t, बताना है dy/dx। ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है cot थीटा इंटू cosec थीटा, दूसरा ऑप्शन है tan थीटा इंटू sin थीटा, तीसरा ऑप्शन है मेरे दोस्त साइन थीटा लॉग साइन थीटा, और चौथा ऑप्शन है साइन थीटा लॉग साइन थीटा माइनस टू टेन थीटा बाई टू, ठीक है। इन चारों में से आप ट्राई जरूर करिएगा, एक बार वीडियो को पॉज करिए, अपने से ट्राई करिए, जो आएगा ठीक है हम बताते हैं। फिर तुम्हारे पास एक ऐसा है कि वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो चलो हम एक बार सॉल्व करते हैं, एक बार अपने से जरूर ट्राई करना, इसके बाद हम बताएंगे उसको, देखना ठीक है ना। चलो एक बार सॉल्व करते हैं। जैसे x log sin थीटा है तो तुम x log sin थीटा इसको डिफरेंशिएट करो किसके किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो dx/dt करोगे तो ये sin log sin x, जैसा मैंने डिफरेंशिएशन सिखाया था यहाँ log यहाँ sin x है तो इसको x सपोज करना है माइंड में, तो log x होगा तो 1 by sin 1 by x हो जाता है, log x का 1 by x होता है और जिसको सपोज करते हैं उसका दोबारा डिफरेंशिएशन होता है sin थीटा का, दोबारा हो जाएगा ठीक है। तो आएगा क्या dx/dt और ये sin थीटा cos थीटा हो जाता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा आ जाएगा। dx/dt कितना है दिख रहा है ना, अच्छा यहाँ नहीं दिख रहा है, dx/dt कितना आ जाएगा, dx/dt आ जाएगा, ये cos/sin cot थीटा हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इतना समझ में आ गया होगा, dx/dt दिख रहा है ना, ठीक है इतना दिख रहा है, dx/dt कितना cos/sin थीटा होता है cot थीटा होता है। फर्स्ट वन तो हमने dx/dt निकाल दिया, अब यहाँ पे देखते हैं dy/dt, dy/dt निकालते हैं तो 1 का हो जाता है 0 माइनस यहाँ cos का sin माइनस साइन थीटा होता है, जो भी यहाँ सी वाला होता है वो माइनस लेकर आता है dy/dt और ये साइन थीटा माइनस जाएगा अंदर, साइन थीटा वाला लगा। अब हमको देखो ये थीटा थीटा कटाना है तो हम क्या करें, इसका डिवाइड करते कि मल्टीप्लाई करें, ये देखना इंपॉर्टेंट है यार। अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये देखो ये dθ/dθ कट जाएगा और dx/dy/dx आ जाएगा, ठीक है। तो हम डिवाइड करते हैं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ऊपर कर दिया जाएगा, ऊपर यहां कर देते हैं dy/dθ/dx/dθ हो जाएगा, क्या बचेगा dy/dθ कितना है sin थीटा है, यहां sin थीटा आ जाएगा, नीचे क्या बचेगा cot थीटा बचेगा, ये बताना dθ से dθ कैंसिल हो गया, आया क्या dy/dx कितना आ गया, ये sin थीटा तो रहेगा लेकिन 1/cot थीटा क्या बना लेता है tan थीटा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बताना, सही ऑप्शन है। तो उम्मीद है कि ये इजी क्वेश्चन था, तुम लोग को आ गया होगा, लेकिन हम उम्मीद ही कर सकते हैं, अब जो पढ़ेगा उसी का आ सकता है मेरे दोस्त, एग्जाम तो बहुत करीब आ रहा है। और एक बात बोलना चाहेंगे, इतना पढ़ो प्रिपरेशन देखो उस लेवल की होनी चाहिए कि टाइमिंग इतना कम है तुम्हारे सीयूटी एग्जाम में,
क्वेश्चन उस टाइप में तुम लगा के जाओगे तभी वहां लगा पाओगे, समझ रहे हो ना। अब देखो कैसे पढ़े ये भी डिपेंड करता है यार, कब तुमको लगना चाहिए कि हमको क्वेश्चन आ रहा है। देखो जब क्वेश्चन आता है ना तुम्हारे पेन की स्पीड भी स्लो हो जाती है उस टाइम, पेन की स्पीड तुम्हारा माइंड तेज चलता है, पेन की स्पीड स्लो हो जाती है, तुम सोचते हो कितना तेज हम लिखते और तेज लिख सकते तो लिखते हम और तेज। कभी ये ऑब्जर्व करना, कभी क्वेश्चन आ रहा होगा तो ये सब बातें ऑब्जर्व करना, ठीक है। और इस समय जितना भी एफर्ट दे सकते हो यार उतना एफर्ट दो, कम से कम जितना तुम्हारे अंदर जज्बा है उतना एफर्ट दे सकते हो तुम, उतनी एफर्ट लगाओ सीयूटी एग्जाम में, तभी जाके क्लियर हो पाएगा दोस्त। कंपटीशन बढ़ गया मेरे भाई। और एक बात और बताना चाहते हैं, इस बार सीबीएसई का रिजल्ट जो है 87% गया है, यानी 30% बच्चों का फेल है, यानी 30% बच्चे क्या है फेल है। तो वो जो फेल बच्चे है ना वो क्या करेंगे, जो पास आउट भी है तो उनका नंबर कम है, लेकिन इस बार आईआईटी जेई ने ये कंडीशन लगाया, आईआईटी ने ये कंडीशन लगाया है जिसका 75 प्लस होगा वही आईआईटी के एग्जाम में बैठ सकता है। तो मेरे दोस्त जो भी 75 के नीचे आए होंगे वो तो फाइट तो सीयूईटी में ही करेंगे, तो ठीक है ना, इसीलिए बता रहे हैं सीयूईटी का कट ऑफ ज्यादा जाने वाला है मैथ का, इतना जान लो मैथ का कट ऑफ ज्यादा जाएगा इस बार। उस लेवल की तुमको प्रिपरेशन चाहिए तो करीब 4 से 5 घंटे तो अभी के टाइम में मैथ को दो, तभी जाके एग्जाम क्लियर हो पाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। अभी 4 से 5 घंटे दो क्लास में, अभी घर पे पेन कॉपी लेकर बैठो वीडियो देखते समय, जितने भी क्वेश्चन कराए जाते हैं अपने से ट्राई किया करो, यही मेथड होता है पढ़ने का ऑनलाइन, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे दिया है वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 3x plus 5 इसका तो 0 दिया है, dy by dx पूछ रहा है, इस पे पूछ रहा है 0.0 का -3 में ये पूछ रहा है क्या होगा वैल्यू। ऑप्शन नंबर ऑप्शन दिया है, पहला 1 दिया है, दूसरा 1.5 दिया है, तीसरा जो दिया है 2 दिया है, चौथा जो दिया है 0.5 दिया है, इसका डिफरेंशिएशन करो 2y आ जाएगा dy by dx। देखो y का डिफरेंशिएशन वैसे करते हैं मेरे दोस्त, ये x से जैसा ट्रीट करो लेकिन एक और टर्म आ जाता है dy by dx, ये x स्क्वायर होता है इसका डिफरेंशिएशन 2x होता ना, लेकिन y है इसलिए dy by dx लेकर आएगा, यहां x से करोगे 2x हो जाएगा और यहां करोगे 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और इसको इधर ले जाओगे dy by dx और इधर जाएगा तो -2x + 3 हो जाएगा अपॉन dy by dx -2x + 3 अपॉन क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, दिख रहा है कि नहीं। हां दिख रहा है तुम लोगों को, तो dy by dx क्या हो जाएगा, dy by dx देखो x की वैल्यू क्या, ये दिया x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, x की वैल्यू क्या पुट करनी, 0 पुट करनी, 2 into 0 कितना हो जाएगा, और यहां पे फिर प्लस 3 हो जाएगा अपॉन में माइनस करेगा, 2 into y की वैल्यू क्या है -3 है, तो क्या हो जाएगा dy by dx बताना एक बार, ये देखो 3 हो जाएगा, 2 into 0 0 प्लस 3 3 आ जाएगा ऊपर माइनस, और ये माइनस 6 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 3 × 6 होता है, तो dy by dx क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, यानी 0.5 हो गया, यानी 0.5 करेक्ट आंसर है, ये वाला करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे CUT में, बहुत लेंदी नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि टाइम लिमिट बहुत कम दिया हुआ है, समझ रहे हो ना, टाइम लिमिट कम दिया हुआ है, नंबर आप क्वेश्चन जाते हैं इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चन बनाएगा, तो छोटे छोटे कंसेप्ट भी तुमको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन निकालना है, ऑप्शन में दिया है 4 sin, दूसरा ऑप्शन दिया है 4 sin, तीसरा ऑप्शन दिया है 2 sin, चौथा ऑप्शन दिया है 4 2 sin, इतना दिया हुआ है, ठीक है ना। फिर स्टार्ट करते हैं, देखो इसका डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करते हैं, 2 आगे चला जाएगा, साइन 2x प्लस 5 हो जाएगा मेरे भाई। अब देखो कैसे करते हैं इसको, इस टर्म को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ये
अब ये मान लो x होता, सपोज करो ये x होता तो 2 आगे चलाता और 2 के पावर 2 माइनस 1 होता, जिसको सपोज किए होंगे उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करते, मतलब sin 2x plus 5 का दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा ये 2 sin 2x plus 5 हो जाएगा, और यहाँ देखना यहाँ sin x का cos हो जाएगा cos 2x plus 5, फिर तुमने इसको सपोज किया था, तब तुम sin x का डिफरेंशिएशन जानते हो, जब भी sin x का डिफरेंशिएशन करो cos x आ जाएगा, लेकिन जिसको सपोज करते हो उसका तो दोबारा करते हैं ना, 2x plus 5 को दोबारा करके हम, दिख रहा है, हाँ चलो दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 2 sin यहाँ 2x plus 5 हो जाएगा, यहाँ cos 2x plus 5 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 बचेगा, तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, यहाँ लिख देते हैं 2 का मल्टीप्लाई करोगे 4 sin 2 into 2 लिखते हैं, 2 sin क्या हो जाएगा 2x plus 5 हो जाएगा, cos 2x plus 5 हो जाएगा, बताओ मेरे दोस्त इतना समझ आया, इतना समझ आ रहा है ना, इतना समझ आ रहा है, जो एक फार्मूला होता है sin 2 थीटा का, sin 2 थीटा का फार्मूला बोलते हैं 2 sin थीटा cos थीटा होता है, तो यहां देखो इतने टर्म को लो, इतने टर्म को 2 sin थीटा cos थीटा नहीं हो जाएगा, तो 2 into sin 2x plus 5 हो जाएगा, तो 2 sin ये अंदर जाएगा 4x plus 10 हो जाएगा, बताओ कौन सा ऑप्शन हो गया, कौन सा ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया यार, ऑप्शन नंबर 4 हो गया, देखो इतना कैलकुलेशन आनी चाहिए तभी जाकर क्वेश्चन बन पाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करते, एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम जल्दी से एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, e की पावर साइन इनवर्स एक्स का करना है डिफरेंशिएशन, क्या हो जाएगा पहले ऐसे समझो कि इसको क्या लेट करो, इसको एक्स लेट कर लो, इसको e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, अच्छा ऑप्शन नहीं लिखा मैं, ऑप्शन लिख देते हैं यार, ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा e sin इनवर्स x अपॉन 1 plus x स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा e की पावर sin इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 plus x स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई e के पावर sin इनवर्स x अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर है, वन माइनस एक्स स्क्वायर, चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा e के पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब देखो इसको करना स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त, e के पावर एक्स होता तो उसका डिफरेंशिएशन e के पावर एक्स ही होता ना, e के पावर एक्स, लेकिन ये इसको सपोज करो माइंड में थोड़ी देर के लिए e के पावर एक्स है, जिसको सपोज करते हो उसको लिखते हो यहीं पे ना, जिसको सपोज किए उसी का डिफरेंशिएशन तो करते हो बाद में, e के पावर x का e के पावर sin इनवर्स x हो जाएगा, और इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 by 1 upon x स्क्वायर हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करते हैं e के पावर sin इनवर्स x upon 1 minus 1 minus x स्क्वायर बताओ, प्लस c, सॉरी प्लस c नहीं जोड़ते, ये वाला कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यार, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं जल्दी से एक क्वेश्चन और लेते हैं, बताना तुम लोग सारे क्वेश्चन फर्स्ट पहले तुम ट्राई किया करो, उसके बाद ऑप्शन मैच करा लिया करो, उसके बाद तुम देखा करो मेरा सॉल्यूशन, यहां देखो y इक्वल टू क्या है 3x क्यूब, यहां 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2 है, तो d2y/dx2 निकालना है, तो देखो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं क्या हो जाएगा, ऑप्शन लिख देते हैं पहले, पहला ऑप्शन है 18x plus 10, दूसरा ऑप्शन है 18x minus 10, तीसरा ऑप्शन है 9x plus 5, चौथा ऑप्शन है 9x minus 5, समझ आ रहा है दोस्त, इतना समझ आ रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ये आगे चलाएगा 9 हो जाएगा x के पावर 3 minus 1, ये आगे चलाएगा 5 equal to x के पावर 2 minus 1, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो dy/dx कितना हो जाएगा 9x के पावर 2 माइनस 10 हो जाएगा, ये 10x के x हो जाएगा प्लस 0 हो जाएगा, अब इसको डबल डिफरेंशिएशन निकालना है d2y/dx2 करना है, एक बार और डेरिवेटिव निकाल दो, ये 18x माइनस 10 हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा,
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही डिस्कस करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और नए क्वेश्चन के साथ। उम्मीद है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे अच्छे से। चलो तो थैंक यू फॉर क्लास, और जो भी चैनल पर नए हो यार इसको सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ इंपॉर्टेंट सीयूटी क्वेश्चन के साथ। उम्मीद है कि बार बार यही बात बोल रहे हैं, सीयूटी का एग्जाम आने वाला यार, 5 से 6 घंटे मैथ को दोगे तभी तुम्हारा सिलेक्शन रखा, नहीं तो भूल जाओ। बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, इस बार कट ऑफ हाई जाने वाली है, बार बार रिपीट कर रहे हैं इन बातों को, समझो, समझ रहे हो ना। ठीक है, थैंक यू।